Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. याद आ गया, तुम लोग जाओ, मैं यही मिलूंगा। इसका मतलब है कि धारी वाला डर रहा है। भागो यहाँ से। ओके मत आओ। कम ऑन मीला, तुम शुरू करो। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। पंजों का मुकाबला परों के साथ हो रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। नियो! 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 तो वाकई बहुत तेज है। ओके, देखते हैं नीचे पहले कौन पहुंचता है। तो मेरी दोस्त टेक, मुझे लगता है कि धब्बे वाले को एक नया दोस्त मिल गया जो कि तुम्हारी तरह पुस्तल बिल्कुल भी नहीं। पुस्तल? और मैं? देखो उस तरफ, देखो वो आ रहे हैं। कीनो कितना जबरदस्त है, क्या उड़ता है ये। कीनो जबरदस्त है, कीनो ऑसम है, आजकल बस यही सुनने को मिल रहा है, कीनो ऐसा है, कीनो वैसा है। अब मीला तुम भी यही कह रही हो। लियो ने टेक को छोड़ दिया बस एक परों वाला के खातिर। अपना मुंह बंद रखो क्यूबा, चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है जाओ जाओ, धब्बे वाले को अब तुम्हारी जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा उस परों वालों से कोई भी मुकाबला नहीं। हमारे पास वक्त नहीं है, कुछ जरूरी काम करने हैं हमें, इस फजूल सी रेस से ज्यादा जरूरी। इससे क्या हो गया, नाराज हो गया है क्या? नहीं वो नाराज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, असल में उसको चोंच लग गई है। ओह ये क्या है? मालूम नहीं लेकिन जमीन हिल रही है। के पास चलते हैं, मुझे यकीन है कि वो जानते होंगे कि ये क्या हो रहा है। हाँ, ये इससे पहले भी हुआ था, कई साल पहले। अचानक जमीन इसी तरह से हिलने लगी थी। हुआ ऐसा, मशरिक की तरफ एक बड़ा सा पहाड़ था, उसकी हवा से दोस्ती थी। हवा जब उसके गिर्द घूमती और दरख्तों से टकराती तो उसे बहुत अच्छा लगता। लेकिन एक दिन हवा ने बादलों के साथ खेलना शुरू कर दिया। पहाड़ को गुस्सा आ गया और उसने जमीन को हिलाकर रख दिया। फिर आ गया सबके सामने वो। कौन? ड्रैगन। ड्रैगन? हाँ, पहाड़ की तरह बड़ा, आग जैसा जालिम, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अच्छा, फिर उसे रोका कैसे गया? हवा से। हवा जब उसके आसपास घूमने लगी तो उसे मजा आने लगा और बादल भी उसके पास आ गए। ड्रैगन खुशी के मारे झूम उठा और वापस अपनी उसी शक्ल में आ गया और आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद सो गया। ओह, लेकिन अब वो जाग गया है, हमें टिक को ढूंढना होगा। चलो मैं आगे जाता हूँ। गाइस तुम सब कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से भागना होगा। ड्रैगन जाग गया है, भागो भागो भागो, निकलो यहाँ से, वरना ड्रैगन हमें खा जाएगा।
पहले लियो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, और अब देखो कीनो, आओ चलो रेस लगाए। कीनो तुम कितना अच्छा उड़ते हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। कैसा ड्रैगन? हाँ पहाड़ के ऊपर जा गया, वो हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सिवाय मेरे, मैं जा रहा हूँ वहाँ उसे देखने कि आखिर है कौन वो ड्रैगन। तुम चल रहे हो मेरे साथ? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। हर कोई देख लेगा आज के मैं कितना बहादुर हूँ। इस धारी वाले का दिमाग खराब हो गया, ये तो डायरेक्ट ड्रैगन के मुंह में जा रहा है। मार्टिस, चलो। टिक, कहाँ हो तुम? कहाँ जा सकता है वो? क्यों बा, टिक कहाँ है? पहाड़ के ऊपर? टिक पहाड़ के ऊपर गया है, लेकिन क्यों? चलो देखते हैं कहाँ है ड्रैगन। आज दिखाऊंगा मैं उसे अपनी पावर, और उस ड्रैगन को हराने के बाद फिर देखूंगा कि लियो क्या कहता है। तब मेरी वैल्यू समझ आएगी, कहेगा टेक प्लीज आओ साथ खेलें, और मैं कहूंगा नहीं लियो, उसे कीनो के साथ खेलो। जाऊंगा। ओह लियो, ये सब मेरी गलती है, और मैंने कीनो के साथ भी बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। टेक, वो देखो जरा। वाओ, बिल्कुल खामोशी हो गई है, इसका मतलब कि ड्रैगन सो गया है ना? हाँ, और अब ये देखना है कि हम बाहर कैसे निकले यहाँ से। डरो नहीं, हम आ गए हैं तुम्हें बचाने। मापा पैडीगा, पकड़ो इसे और ऊपर आ जाओ। और फिर लियो ने मेरी तरफ छलांग लगा दी, कहा कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊंगा, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। और फिर हवा आई, उसके बाद बादल, और ड्रैगन फिर से गहरी नींद सो गया। मापा पेंडिगा,
ये ड्रैगन दोबारा से कैसे सो गया? मेरा ख्याल है वो टिक की वजह से सो गया है दोबारा, क्योंकि हमारा टिक ज्यादा खतरनाक है ड्रैगन से। क्या वाकई मापा? पर मैंने तो ड्रैगन को देखा भी नहीं। टिक से ड्रैगन डर गया। क्या वो ड्रैगन? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। चलो टिक, घर जाने का वक्त हो गया। कीनो, कल तुम जरूर आना, मुझे एक बहुत ही जबरदस्त गेम आता है, वो हम मिलके खेलेंगे। ओके, हम खेलेंगे ड्रैगन वाला। कुछ भी खेलो मगर ड्रैगन वाला नहीं। कम ऑन लियो। I swear, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, तुम सबने देख लिया ना कि मैं कितना बहादुर हूँ। हम सबके अंदर एक ड्रैगन सो रहा होता है, इसका मतलब है आप अपने आप को किसी से कम ना समझें, ठीक?